आशीर्वाद और जो बड़े हैं उनसे जो है चरण स्पर्श करिए। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा चलो ठीक है। यार देखो हम लोग वक्ता कम है और काम दूसरे तरीके का है तो थोड़ा सा वो आवाज ज्यादा आती है। तो यहाँ बहुत सी बातों के लिए हम समय नहीं लेंगे आप लोग का। मैं TSI देवरिया इस वक्त पोस्ट हूँ और मेरे साथ साहब भी हैं प्रभारी TSI। तो दो लोग ट्रैफिक का काम देखते हैं। ट्रैफिक का मूल काम हमारा जो है सड़क की जो भी व्यवस्था है चलने के लिए उससे है। और यहाँ पे हमारा आने का एक ही मकसद है कि आप लोग के बीच में कुछ चीज़ें जो सामान्य नियम है उसको बताया जा सके जिससे लोगों के बीच जागरूकता है। और बहुत अलग नहीं है, सबको सब मालूम है, दो तीन चीज़ें हैं। दो पहिया सभी चलाने का शौक रखते हैं, हम भी चलाते हैं। और बिना हेलमेट चलाने का है नुकसान है, उसी चीज़ को जागरूक करना है। हेलमेट बहुत महंगा नहीं आता, आप बढ़िया हेलमेट लेंगे मुश्किल से 1500-1600 बेहतरीन हेलमेट आता है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक चलान मिनिमम चलान आपका 1000 है हेलमेट का विदाउट। अब एक बार कटेगा, दो बार कटेगा, आप हेलमेट एक बार लोगे 2 साल 3 साल 4 साल लगभग चलता ही है। और दूसरी चीज़ सर बचा रहता है। मैं खुद का 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, 3 बार के एक्सीडेंट में मैं अभी तक जिंदा हूँ और 2 बार की स्थिति है मैं ट्रक के नीचे गया हूँ। तो हेलमेट बहुत सेफ्टी रखता है, उससे आपको चोटें आएंगी, हाथ टूटेगा बन जाएगा, हाथ टूटा चला जाएगा, पैर टूटा वही भी एक बार काम चल जाएगा, लेकिन सर की चोट ऐसी है अगर आप बच भी जाएंगे तो आप किसी काम के नहीं रहते। या तो अपाहिज हो जाएंगे या तो पैरालाइज हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति हो जाती है कि आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते ना किसी चीज़ को आप बता सकते हैं। तो हेलमेट लगाइए, सबके लिए अनिवार्य है और बहुत महंगा नहीं, क्योंकि आपको एक चलान हेलमेट महंगा हो जाएगा। दो चलान की स्थिति, आप चलान का एक नियम जानिए। फर्स्ट टाइम किसी भी ऑफेंस के लिए, मतलब पहली बार मैंने आपका चलान काटा हेलमेट पे, सेम उसी बाइक से मैं दूसरी बार चलान काटूंगा, चाहे आप चला रहे हैं, आपके पिता चला रहे हैं, आपका कोई दोस्त चला रहा हो, वो उसी ऑफेंस का 2 गुना चार्ज करेगा। वो हमें नहीं करना, वो ऑटोमेटिक जनरेट है सिस्टम से है, जहां मैंने उस पर चलान काटेंगे वो 2000 ले लेगा। तीसरी बार वो सीधे 2 का 4 हो जाएगा, तो आपके 3 चलान में आपकी आधी गाड़ी की कीमत आ जाती है। दूसरी चीज, 3 सवारी का जो आप लोग का है, चलते हैं 3 सवारी चलने में दो पहिए तो सबको दिक्कत होती है, चलाते हैं 3 सवारी ना चलिए। और सबसे बड़ी समस्या एक है, आजकल ईयरफोन चल रहा है, लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइक पे उसका यूज ना करिए। दो पहिया बैलेंस नहीं करता कोई भी हो, और जब आप किसी भी डिवाइस का यूज करते हैं तो आप स्लो चलते हैं और कंसंट्रेट नहीं होते, और सड़क पर कंसंट्रेशन जरूरी है। आप आगे जा रहे हैं, पीछे देखेंगे या सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, आगे गाड़ी ही ठोक दिया, एक बार ठोक दिया तो इनपट जाओगे, कोई फिर पूछने वाला नहीं है। जिससे फोन पे बात करें वो भी नहीं पूछता, और फोन पे कोई घर के लिए बात नहीं करता, यहाँ सभी बैठे हैं, बहुत रेयर है जो काम के संबंध में बात करते हैं, नहीं तो आधे से फर्जी बात करते हैं। तो फर्जी वाली काम करना फुर्सत में करो, बैठो कहीं छत पे बैठो, आराम से बतियाते रहो, रात भर तुम्हारा अपना है, हाँ तो बात करो, कोई दिक्कत नहीं। वो क्योंकि आज का समय है चल रहा है तो आपका निजी जीवन है, लेकिन सड़क पर चलिए तो सड़क पर आप निजी नहीं रह जाते, आपकी वजह से किसी और का भी एक्सीडेंट होता है। एक समस्या यह है, आप तो चले जाओ निकल के, आपको बचाने में कोई और निपट जाता है। कई बार ऐसा होता है बड़ी गाड़ियां एक्सीडेंट करती हैं, क्यों बाइक वाले को बचाने के चक्कर में काट लिया, अब बाइक को बचाने के चक्कर में किसी दूसरी बड़ी गाड़ी अगर एक्सीडेंट करेगी तो लंबा करेगी। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है गाजीपुर में, कोई यहाँ गाजीपुर का रहने वाला होगा तो कासमाबाद के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है, या कासमाबाद से जो रोड जाती है मोहम्मदाबाद के लिए उस पर, उसमें एक ट्रक वाले एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में काटा, वो सड़क से उतर गई, क्योंकि सड़क वहाँ पर थोड़ा डाउन है, लोड ट्रक थी जो उतरी पलट गई, नीचे 6 लोग मरे हैं सिर्फ बाइक को बचाने में। ट्रक वाले कोई गलती नहीं, ट्रक वाला झेल रहा है, वो 6 आदमी की तो कोई गलती नहीं, जो निपट गए तुरंत निपट गए, 6 आदमी ऑन द स्पॉट मरे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम आप करते हैं जिससे लगता है अरे कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ, तो आप इन चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, कोई भी चार पहिया का जो चलाने वाले हों, चार पहिया में सीट बेल्ट अनिवार्य है। लेकिन सीट बेल्ट कभी कभी आप मस्ती में चलाते हैं, इवन चलाते हैं, कोई पूछता नहीं, लेकिन जब भी आप हाईवे पर ड्राइविंग करें, ये तो होता है कि आप हाईवे पर रेगुलर ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसको लगाइए जरूर, क्योंकि जितने उसमें सिस्टम दिए गए हैं एयरबैग वगैरह जो सेफ्टी आपके उसमें लगी हुई है वो काम नहीं करेगी विदाउट सीट बेल्ट। तो लोग होता क्या, अरे नहीं लगा तो क्या हुआ, नहीं लगा तो आपको एक्सीडेंट भी होगा, तो एयरबैग खुलेंगे ही नहीं, और सीट बेल्ट लगे हुए हैं तो एयरबैग खुलेंगे वो काम करेंगे, तो सेफ आप रहोगे। और दूसरी चीज़, आजकल सभी लोगों के पास बाइक चल रही है, बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर का यूज़ करते हैं, प्रेशर हार्न,
मॉडिफाइड सिलेंडर जैसे बुलेट में है चेंज कर देते हैं, तमाम स्पोर्ट बाइक में चेंज किया जाता है आवाज़ के लिए। नए अमेंडमेंट में जो है नए सुधार हुए हैं जो यातायात नियम में, उसमें आपको अगर यहाँ सुधार उसमें चेंज कराते हैं, मॉडिफिकेशन भी कराते हैं, आवाज़ हो या ना हो जो सिस्टम में दिया गया है उसको चेंज कराएंगे, उसकी फाइन का नियम है। किया नहीं जाता वो व्यवहारिकता अलग है, नियम अलग है। कई बार होता लोग कहते हैं अरे साहब आए सर हमने पहली बार वह छोड़ दिए, छोड़ देना यह मेरा काम नहीं है, यहीं रहते हैं कोई ना कोई परिचित मिल गया छोड़ दिए, यह हम गलती कर रहे हैं। गलती किसके साथ? अपने काम के साथ, दूसरा आपके साथ, क्योंकि अगर काट देंगे तो दोबारा आप नहीं दिखोगे। जिसका 10,000 घुसता है ना, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यह हम ही हैं, हमारा ही अगर 10,000 फाइन हो जाए, 1,000 फाइन हो जाए तो आधे दिन दिमाग खराब रहता है कि कहाँ भरेंगे। तो फाइन ना भरिए, खाइए, अपने घर के लिए कमाइए। 10,000 की फाइन बहुत लंबी होती है। अब किसी को हमारे यहाँ शौक नहीं है, कोई भी हो, हमें आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है कि हम 10,000 वसूली आपसे कराएं। नए कंडीशन में एक चीज और है, अब आप नहीं भरेंगे जुर्माना तो आपको जेल भी होगी। नई चीजों में जेल का एक नियम है कि अगर आप जुर्माना समय से नहीं भरते हैं तो कोर्ट से नोटिस जारी होती है, NBW जारी होगा, उसमें आपको उठा के जेल ले लिया जाएगा। सारा काम वही है, आपका पैसा, आप ही को नुकसान होना है, आप ही की चीजें हैं। तो साइलेंसर वगैरह जो भी लगवाए हों उनको चेंज करा लीजिए, जो जानने में उनको करा दीजिए, क्योंकि नए वाले समय में आते आते आपको लगभग देवजिया भी कुछ दिनों में और इस साल है तो अगले साल तक यहाँ भी IKMS सिस्टम लगी जाएगा। लाइन जो सड़कों पे लगा होता है सिस्टम, ये चालान कटते हैं, कटने लगेंगे। यही गोरखपुर जा रहे हैं, कट रहा है तो वहाँ यही आदमी जाता है शरीफ हो जाता है। जैसे यही आदमी जब बाहर या दिल्ली जाता है तो बहुत सही हो जाता है, तो वो कहता था वहाँ पे जो है बड़ा सही चलते हैं, चलते वो सही नहीं है, वहाँ हम सही होते हैं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति अपराध करना, हम आप जो भी हो अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कोई दबा नहीं रहा है, जब उसको लगता है हमारा नुकसान हो जाएगा तो अपराध नहीं करता। तो कुछ चीजें हैं सामान्य सी चीजें हैं यातायात के, और एक छोटा सा बैनर है उसको देख लीजिए, कुछ नियम कुछ चीजें हैं उसको नोट कर लीजिएगा या ध्यान दीजिएगा। बैठे रहिए, दिखाई देगा, बहुत दूर की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए। कुछ सामान वो लिस्ट वाला नहीं है क्या?